तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है, सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी। लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। प्रोक्योरमेंट के संबंध में छोटे मोटे विषय कई बार उठते रहे हैं, इस बार हमने एक SOP बनाया है, वो पुस्तक तो नहीं मंगवाई, मंगवा के सब बंटवा दूँगा। SOP की SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आढ़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुँच जाए। तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया हमने, जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस ना रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उस के बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आढ़ती को आढ़त देंगे, ये गलत है। हाँ, आढ़त तो जो है वो सरकार ही देगी, आढ़ती की आढ़त वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आढ़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आढ़त जो है वो किसान